हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका जो है 6 जून 2023 है और डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है आपका एग्ज़ाम जो दूसरा दिन चल रहा है और आपका फर्स्ट शिफ्ट जो है खत्म हो चुका है। हमारे साथ दो प्यारी बहन है हमारे साथ और अभी हम जस्ट बातचीत करेंगे इनसे कि कैसा रहा इनका एग्ज़ाम और अंदर जो है किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे, क्योंकि कल हमने जो है आपको बताया था कि किस तरह के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष भी हमने काफ़ी आप सभी लोगों को मदद किया था और अभी हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? संध्या कुमारी। कहाँ आपका घर पड़ा? दुर्गावती सावंत जी। आप लोग दोनों एक ही जगह से हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेहरुन्निसा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन थे, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो आपने टोटल अटेम्प्ट किया या कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया? टोटल किया जी। अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन याद हो जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे तो बता सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो अंदर पूछा गया था अगर कुछ याद हो तो जल्दी जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि आना होता ना कि एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन याद, मैथ में पूछा था पाई जी कौन सी संख्या जी, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब उसमें चार ऑप्शन थे, परिमेय अपरिमेय भाज्य भाज्य। और पूछा था, मतलब ऑप्शन दिया था जैसे 40 22 या 25 23, और इसमें कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें 23 होगा अपरिमेय, मतलब हाँ अभाज्य पूछा था, अभाज्य संख्या होगी इसमें। जीके की बात कर ले तो जीके का कुछ क्वेश्चन याद है जो बच्चों को बता सके आपको? जीके का कैसा क्वेश्चन था जी? वाल्मीकि जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? और कुछ क्वेश्चन याद हो जीके से रिलेटेड जो आप बता सकती हैं? या सर, मतलब कब लागू हुआ था? 10 दिसंबर। और कुछ क्वेश्चन याद हो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपने? अलंकार से आया था क्वेश्चन, समाज से आया था, जिसे कि उसमें आया था अलंकार में कि कुछ ऑप्शन दिया था और इसमें योजक कौन है, उपमा कौन है, इसे का क्या आया था। मैथ का क्वेश्चन हम पूछे आप तीनों लोगों से, तो किस लेवल का था, 10th का था या 12th का था? ज्यादा बहुलक मतलब पूछा था, बहुलक से दो ही था, बस मैथ इजी था, मैथ इजी था। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको याद हो जीके का या रीजनिंग का? रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न? रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल बच्चे बोल रहे थे आपके जो है मिसिंग नंबर थे, मतलब ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में था, गैपिंग नंबर आया था, मतलब अच्छा था रीजनिंग में। और साइंस का क्वेश्चन जो है वो किस लेवल का पूछा गया था, 10th या 12th? 10th था, 10th लेवल का। 10th लेवल का। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो 150, मतलब 120 को किया, मतलब माइनस मार्किंग तक रच कर दिए हैं। सही है, बात अच्छी बात। और कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं था? अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में किस तरह के प्रश्न? इंग्लिश में पैसिव वॉइस आया था, ऊपर से वर्बिंग आया था कि इसमें वर्ब कौन सा है चुनने के लिए, करेक्ट आंसर आया था, आइडम फेजेस आते हैं जी, आया था। एंटोनिम और साइनोनिम आए थे क्या? नहीं, एक भी नहीं आए थे, टेंस पहचानने के लिए आए थे जी। पैसे से क्वेश्चन थे इंग्लिश में, बात कर ले तो पैसे जो होता है आपका, एक पैराग्राफ दे देते हैं उसमें चार ऑप्शन होते हैं, पैसे जो होता है नहीं, वो नहीं था उस टाइप के, नहीं नहीं था। और हम बात कर ले आपके कि जो आपका साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, उर्दू वाले कोई बच्चे हैं आप लोग? सब लोग हिंदी दिए हैं? ओके, तो उर्दू का क्वेश्चन तो मैं उनसे बात कर लूँगा, लेकिन अगर आप बच्चों को बताना चाहेंगे कल जो आने वाले हैं या आने वाले अभी 5-6 दिन और एग्जाम है, तो क्या बोलना चाहेंगे कि किस टॉपिक को पढ़ ले? अगर हिंदी की हम बात कर ले तो अलंकार समास पढ़ ले जी। देखिए मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में जो है अलंकार, रस, छंद और आपका संधि विच्छेद और शुद्ध अशुद्धि जो है जरूर पढ़ ले, ये जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक दिन जो है ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में कहाँ से क्या पढ़ना चाहेंगे, बच्चों को बोलना चाहेंगे उसको, मतलब प्रेजेंट पास्ट होता है ना मानने के लिए, टेंस बचाने के लिए आया था, और इसकी भर भी पूछा था उसमें से। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो बच्चे आ रहे हैं एग्जाम देने उनके लिए मैं आपको बता दूं, टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन और आप जो है करेक्ट वर्ड, ये सब देख लीजिएगा, इससे प्रश्न आपके आ रहे हैं। मैथ की बात कर ले तो मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे? रैखिक समीकरण से, बहुपद पूछा था, मैथमेटिका पूछा था, जी मीडियम मॉडल। कितने प्रश्न उसे थे? 3 थे, 25 अच्छा टोटल तो 25 थे ना, 3 थे मैथमेटिका। साइंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे, साइंस का कौन सा लेवल है, 10th लेवल है, आप सभी लोगों को पता है, तो साइंस के लिए जो है क्या पढ़ना जरूरी रहेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो होता है, 3 पोर्शन होते हैं, तो किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे? केमिस्ट्री से
केमिस्ट्री से था, बायो से भी था। केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन पूछे गए थे जो 10th क्लास के होते हैं आपके रिएक्शन? अभिक्रिया, मतलब दोनों से अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, हम अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल से कुछ क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल होता है, या जैसे कि आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन? नहीं, वो नहीं था। इस तरह के नहीं थे, सभी क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे। जी जी, चलिए आप सभी लोगों से बातचीत करके अच्छा लगा, और आप सभी लोगों का एग्जाम बेहतर गया है तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा। आप सभी लोग, प्यारी बहन हमें सब बताई, आप सभी लोग ये टॉपिक को पढ़कर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत के, धन्यवाद।